नमस्कार, आज हम आपसे शेयर करूंगा लौकी का एक ऐसा रेसिपी जो आप घर में लौकी कभी खाने के लिए पसंद भी नहीं करते होंगे, पर आज हम आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, ऐसा रेसिपी आप एक बार देख लीजिए, आप ज़रूर घर में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका घर में बच्चा हर कोई आदमी ये बनाएंगे जब भी लौकी या सब्जी इस तरह से, तो सब कोई पसंद करेंगे। अब लौकी जो है आपका हमेशा जो छोटा साइज का होना चाहिए और ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, तभी जो लौकी आपका खाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और लौकी आप इस तरह से काटना है, आपको छोटा छोटा साइज में कट कर लेना है, कटिंग भी आपका पूरा बराबर होना चाहिए छोटा साइज में, और ये बहुत ही हेल्दी बनेगा। इसके लिए हम बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया हूँ और बहुत मसाला एकदम आपका नहीं रहेगा, जीरो बराबर का मसाला रहेगा। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, आपको राई डालना है, बहुत ही थोड़ा सा आपका मस्टर्ड सीड जो होता है उसको डालेंगे, और थोड़ा उड़द दाल जो होता है उसका भी 1 टेबल स्पून डालना है, और थोड़ा सा करी लीव्स हम डालेंगे इधर, और थोड़ा सा इसमें हींग हम ऐड करूँगा। जैसे ही हींग हम डाल दें इसमें, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी आप ऊपर से डालेंगे तो जो आपका करी जो बनेगा आपका लौकी का सब्जी अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए तेल का साथ में आप हल्दी डाल दें और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। या आप यकीन कीजिए ये जो सब्जी है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ठंडा है, ये आपको ज़रूर आप ये खाइए, बहुत हेल्थ के लिए हम गारंटी बोलता बहुत अच्छा है। और ये तो मेरा जो है फेवरेट सब्जी है और इसको खाने के लिए हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें स्वाद अनुसार जो है इसमें नमक हम ऐड कर दूँगा इसमें, और इसको क्या करना है आपको मिक्स करके और इसको ढक देना है, और इसमें एक ज़रा सा भी इसमें पानी हम यूज़ नहीं करूँगा। जो आपका आपका जो लौकी से जो पानी निकलेगा वही पानी से ही पूरा सब्जी आपका बन जाएगा और बहुत स्वादिष्ट बने, हम आपको बोल रहा हूँ गारंटी का साथ। जैसे कुछ देर बाद देखिए थोड़ा सा स्टीम हो जाए, आप देख सक रहे होंगे लौकी का थोड़ा पानी देखिए इधर छूट चुका है। इसको क्या करना है और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालूँगा इसमें आपका हरी मिर्च, थोड़ा देखिए कटा हुआ हरी मिर्च भी इसमें ऐड करूँगा। इसमें 2 टमाटर हम यूज़ किया हूँ पूरा लाल कलर का, टमाटर को डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक देना है इसको। ऐसे ढक देंगे टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट होने तक, ऐसे ही इसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट तक, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद जैसे ढक्कन हम हटाए, देखिए जो आपका लौकी का सब्जी पूरा कितना अच्छा बना हुआ। अब इसमें हम ऐड करूँगा जो आपका देसी घी, इधर हम यूज़ करूँगा 2 टेबल स्पून करीब आपको, क्यों इसमें आप देसी घी आप 2 टेबल स्पून डालिए, इसके बाद इसको बनाइए, फिर हमको कमेंट में ज़रूर बताइए जो लौकी का सब्जी कैसा हुआ। हम आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक बार मेरा जो ये तरीका है आप एक बार अप्लाई करके देखिए और बनाइए, जो आपका लौकी का सब्जी नहीं खाता वो भी खाएगा, ये मेरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप देखिए इसको अच्छा तरीका से थोड़ा हाई फ्लेम में इसको मिक्स करना है, थोड़ा हाई फ्लेम में पका लेंगे तो आपका क्या होगा जो लौकी का थोड़ा है और थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। आप इसको रोटी का साथ भी खा सकते हैं, राइस का साथ भी खा सकते हैं, और इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, आप देख सक रहे होंगे। अब ये लौकी का जो रेसिपी आपको पसंद आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ऐसे नया नया रेसिपी के लिए। फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ।